हम पिछले 3 हफ्तों से जिस विषय का अध्ययन कर रहे हैं उस विषय में वापस जाएंगे, उसको भी थोड़ा सा आज देखेंगे। प्रभु का वचन पवित्र बाइबल 66 ग्रंथों का एक समूह है, ये बात मैंने आपको कई बार बताई है। इन 66 ग्रंथों की रचना एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि प्रभु की प्रेरणा से 40 लोगों ने इन ग्रंथों की रचना की थी, और वो भी 1 साल या 2 साल या 10 साल में नहीं, 1500 सालों में इन ग्रंथों की रचना हुई थी, जिसका एक साथ कलेक्शन पवित्र बाइबल के रूप में जाना जाता है। इन 66 पुस्तकों में से सवाल ये उठता है कि मैंने इन दिनों अपने अध्ययन के लिए जिस पुस्तक को चुना, इसे क्यों चुना, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पिछले 3 अध्ययनों में मैं दे चुका हूँ। आज पहले इस पुस्तक के बारे में थोड़ी सी जानकारी देके फिर आगे बढ़ना चाहता हूँ। आज से 2000 साल पहले इस दुनिया के सृष्टा प्रभु यीशु मानव जाति को एक नया जीवन देने के लिए, उद्धार या मुक्ति प्रदान देने के लिए मनुष्य के रूप में इस संसार में पधारे थे, और प्रभु ने यह बात स्पष्टतया बताई थी कि जिसने भी इस दुनिया में जन्म लिया है वो पापी है। और प्रभु ने यह भी बात बहुत ही साफ साफ बताई थी कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के कर्मों के द्वारा अपना बचाव नहीं कर सकता, और इस कारण मेरे बच्चे, मेरे बेटे या बेटी, तुम्हारे पापों के लिए प्रायश्चित करने के लिए मैं सूली पर अपना जीवन अर्पित करने जा रहा हूँ। और इस तरह से ईसवी 33 में प्रभु यीशु ने सूली पर अपना जीवन अर्पित किया। उनकी मृत्यु के बाद उनको दफनाया गया, और लेकिन जैसे प्रभु यीशु ने पहले ही बोल दिया था, अपनी मृत्यु और गाड़े जाने के 3 दिन और 3 रात के बाद वे पुनर्जीवित हो गए। इस तरह से जब वे पुनर्जीवित हो गए तो लोगों को देखकर यकीन हुआ कि ये तो वही मुक्तिदाता हैं जिन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे पापों के लिए एक हल निकालूंगा। और इस तरह से लगभग ईसवी सन 33 से प्रभु यीशु के अनुयायी लोग प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति वगैरह करते आए हैं। लेकिन इसका विरोध भी हुआ, प्रभु के अनुयायियों का काफी विरोध हुआ। इस तरह से विरोध करने वाला एक बहुत ही भयानक हत्यारा था जिसका नाम था शाऊल। आप कहेंगे शाऊल ऐसा भी कोई नाम होता है क्या? जी हाँ, देखिए हर प्रदेश का अपना अपना अलग नाम होता है या अपने अपने अलग नाम होते हैं। आज से 2000 साल पहले मध्यपूर्व में इस तरह के नाम हुआ करते थे। शाऊल नाम का ये व्यक्ति बहुत ही बड़ा विद्वान था, उस समय के सबसे बड़े गुरुजनों के चरणों पर बैठकर उसने पवित्र ईश्वर का पवित्र वचन, फिलॉसफी और अन्य बहुत सारे विषयों की शिक्षा ली थी, और इस तरह से लोगों के बीच में जाना माना आदरणीय व्यक्ति हो गया था। जब उसने देखा कि लोग प्रभु यीशु की आराधना करते हैं, प्रभु के अनुयायी बन रहे हैं, तो उसके मन में प्रभु यीशु के विरुद्ध और प्रभु के अनुयायियों के विरुद्ध उसके मन में इतनी हिंसा भर गई, उसने ये डिसाइड किया कि जिस व्यक्ति को भी प्रभु यीशु का अनुयाय या प्रभु के पीछे चलता हुआ पाएगा उसको पकड़ के या तो बुरी तरह से मारेगा या पीटेगा या पिटवाएगा या जेल में डाल देगा, और जरूरी हुआ तो उनकी हत्या भी कर देगा। इस तरह से प्रभु यीशु के एक महान अनुयायी स्तिफनुस नाम का व्यक्ति था, जब वो प्रभु यीशु के बारे में बता रहे थे तो लोगों ने क्रोध के कारण पत्थरों से मार मार के उसकी हत्या कर दी।
पत्थर से मार के किसी व्यक्ति की हत्या करना आसान नहीं है, आप जानते हैं। अरे सड़क पर चलते हुए कुत्ते को भी पत्थर मार दो तो किस तरह से रोता है। पत्थरों से मार मार कर किसी व्यक्ति की हत्या करना आसान नहीं है और 5 मिनट में काम खत्म नहीं हो जाता। उस महान प्रभु के दास स्तिफनुस की हत्या में भी इस व्यक्ति का हाथ था। जब यह हत्या भी सफल हो गई तो इस व्यक्ति ने डिसाइड किया कि मैं वहां भी जाऊंगा, यहां भी जाऊंगा, सब जगह जाऊंगा और प्रभु यीशु के अनुयायियों को जहां जहां पाऊंगा उनको चुन चुन कर मारूंगा, पीटूंगा, पिटवाऊंगा, जेल में डलवाऊंगा, हत्या करवा दूंगा। और इस तरह से जब वो बहुत ही भयानक हिंसा की भावना के साथ जा रहा था, तब अचानक आकाश से बिजली कड़की उसके ऊपर। वो जिस घोड़े पर सवार था उस घोड़े से नीचे गिर गया। वो इस बात को समझ गया कि उसको ईश्वर ने, प्रभु ने स्पर्श किया है। उसने पूछा, हे प्रभु आप कौन हैं? प्रभु ने जवाब दिया, मैं वो प्रभु हूं जिनको तुम सता रहे हो। अरे प्रभु को कोई सता सकता है क्या? प्रभु को डायरेक्टली कोई सता नहीं सकता, लेकिन प्रभु के बच्चों के विरुद्ध यदि कोई अपना हाथ या अपनी उंगली उठाता है तो वो प्रभु को सताने के समान है। यदि आपके बच्चे को, और यदि आप शादीशुदा नहीं हैं, तो आपके छोटे भाई या बहन को आपके सामने बांध कर हंटर से उसकी पिटाई की जाए तो आपको सताया जा रहा है या नहीं सताया जा रहा? आपको सताया जा रहा है, उसका दुख या दर्द आपको होगा। प्रभु ने कहा, मैं वो प्रभु हूं जिसको तुम सता रहे हो। उस दिन उस व्यक्ति का दिल बदल गया। वो इस बात को समझ गया कि वो गलत काम कर रहा है। उस दिन से वो व्यक्ति प्रभु यीशु का अनुयायी हो गया। उस प्रभु के दास को या अनुयायी को आज इतिहास में संत पौलुस नाम से जाना जाता है। संत पौलुस एक बहुत ही प्रकांड पंडित और विद्वान और टीचर, शिक्षक और लेखक थे। प्रभु यीशु के अनुयायियों को प्रभु यीशु के बारे में बताने के लिए उन्होंने बहुत सारे पत्र लिखे। कुछ पत्र 4 या 5 या 6 पन्ने के थे, कुछ पत्र 40 या 50 पन्ने के थे। इतने बड़े बड़े जो पत्र लिखे जाते हैं उसको हिंदी में जनरली आप पत्री कहते हैं। उन्होंने जितनी पत्रियां लिखी उनमें से सबसे बड़ी पत्री है ये, रोमियों के नाम संत पौलुस की पत्री, ठीक है। और रोमियों का तो मैंने बता दिया था कि रोम में प्रभु यीशु के जो अनुयायी थे उनको रोमी लोग बोला जाता है। रोमी लोगों के लिए संत पौलुस की पत्री, उसको अपन आजकल शॉर्ट फॉर्म में रोमियों के नाम पत्री कहते हैं, इसका अध्ययन कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब प्रभु के इस महान दास ने यदि 14 पत्रियां लिखी है जिनका बाइबल में संकलन हुआ है तो रोमियों को ही क्यों लिया गया? उसका पहला कारण यह है कि उनकी पत्रियों में से पहली पत्री जो बाइबल में पाई जाती है वो रोमियों की पत्री है। लेकिन मुख्य कारण यह नहीं है। मुख्य कारण यह है कि प्रभु ने अपने महान दास संत पौलुस के द्वारा जो 14 पत्रियां लिखवाई, इनमें एक व्यक्ति के जीवन में पाप, पाप का फल, पाप से मुक्ति और मुक्ति के बाद जीवन, इन चीजों के बारे में बहुत ही व्यवस्थापित तरीके से जानकारी मिलती है। और इस जानकारी को हम पिछले 3 हफ्ते से देखते आ रहे हैं। पहले अध्याय में हमने देखा कि मनुष्य जानबूझकर उसके विवेक में प्रभु ने रोशनी दी है
इसके बावजूद वो प्रभु को छोड़कर प्रभु से दूर जा रहा है, इसलिए प्रभु ने उसको उसकी व्यर्थ बुद्धि पर छोड़ दिया। और उस व्यर्थ बुद्धि का सर्वोत्तम उदाहरण है कि वो सृष्टिकर्ता के की आराधना के बदले सृष्टि की आराधना करता है। इस बात को इस मंडली में सब लोग अच्छी तरह से समझते हैं, इस कारण हम इस सभा में प्रभु यीशु का कोई चित्र नहीं टांगते। क्यों? चित्र टांगेंगे तो आते ही लोग उसके सामने प्रणाम करेंगे। चित्र क्या है? मनुष्य की सृष्टि है। मूर्ति क्यों नहीं प्रभु यीशु की लगाते? आते ही लोग उसके सामने लेट जाएंगे। मूर्ति क्या है? मनुष्य की सृष्टि है। सूली क्यों नहीं टांगते? सूली टांगते तो यहां तो बड़ा नाटक हो जाएगा, लोग सूली के सामने आके खड़े होकर रोने लगेंगे कि हे प्रभु मेरी मदद की। सूली क्या है? मनुष्य की सृष्टि है। प्रभु का वचन इस बात को स्पष्टतया बताता है, रोमियो की पत्री पहला अध्याय, मनुष्य को सृष्टिकर्ता की आराधना करनी चाहिए ना कि सृष्टि की। इस कारण हम ना तो चित्र, ना प्रभु यीशु की मूर्ति, ना ही सूली इस हॉल में लगाए हुए हैं। दूसरे अध्याय में जब हम आते हैं तब दूसरा अध्याय हम सबको ये बात बताता है कि जब पहला अध्याय लोगों से कहता है कि मनुष्य पापी है, तो हम में से कुछ लोगों का ये एकदम से तरीका हो जाता है। हम कहते हैं अरे आप कैसे कह रहे हैं कि मैं पापी हूँ? उसको देखो, वो भी तो वही कर्म कर रहा है जो मैं करता हूँ। उसको देखिए, वो तो मुझसे भी ज़्यादा बुरा कर्म कर रहा है। दूसरा अध्याय याद दिलाता है, ए पाप करने वाले, तू काहे को दूसरे पर दोष लगाता है? तू अपने जीवन में झांक कर देख। क्यों? इसलिए कि प्रभु के सामने कोई पक्षपात नहीं है। कल तेरा भी न्याय होगा, कल उसका भी न्याय होगा। तुझे जो जानकारी मिली है उसके आधार पर तेरा न्याय होगा, उसे जो जानकारी मिली है उसके आधार पर उसका न्याय होगा। तीसरे अध्याय में आज हम पहुंचते हैं, लेकिन इसके पहले, जैसा मैंने आपको याद दिलाया था, मैंने जानबूझकर पहले दिन पांचवें अध्याय से एक हवाला दिया था, एक पोर्शन लिया था, जिसमें हम देखते हैं मनुष्य ईश्वर के सामने खड़े होकर ईश्वर से ये सुनना चाहता है कि हे मेरे बच्चे, तू धर्मी है, तूने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन प्रभु यीशु के द्वारा प्रभु ने अद्भुत कार्य किया है, वो मैंने इंट्रोडक्शन के रूप में बताया था, आगे हम उसको फिर से देखेंगे। लेकिन वो एक ऐसा विषय है, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरना, जो इस पूरे पुस्तक में पहले अध्याय से आखिरी अध्याय तक हम देखते हैं। तीसरा अध्याय हमारे अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि इसमें एक स्टेटमेंट या एक कथन है जो बार बार मैं, भाई अब्राहम, भाई जेफरी, उसके अलावा यहाँ जितने भाई लोग खड़े होकर गवाही देते हैं, पीछे जितने या भाई बहन लोग खड़े होकर गवाही देते हैं, वे सब लोग उस स्टेटमेंट को बार बार दोहराते हैं जो तीसरे अध्याय के 23वें पद में मिलता है। और तीसरे अध्याय के 23वें पद में हम देखते हैं, सब ने पाप किया है, इस संसार में सब ने पाप किया है और प्रभु से दूर है, प्रभु की महिमा से वंचित है। लेकिन तीसरा अध्याय इसके अलावा हमको और भी बहुत सारी बातें बताता है। जैसे तीसरे अध्याय के 10वें पद को हम देखें, तीसरे अध्याय के 10वें पद को, वहां हम देखते हैं कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई प्रभु का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब निकम्मे बन गए हैं। प्रभु मुझे और आपको ऊपर से नहीं देखते हैं, ऊपर ऊपर से देखें तो हम सब बड़े इज्जतदार लोग हैं, हम सब सिर्फ अच्छा कर्म करते हैं, हम सब हमेशा अच्छी वाणी बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जरा ईमानदारी से सोच कर देखिए, आपके दिमाग में 24 घंटे में जो बातें आती हैं
मान लीजिए कल को एक ऐसी मशीन बना लेते हैं, आजकल तो हर चीज अपन डाउनलोड कर लेते हैं, है ना, मोबाइल पे डाउनलोड कर लेते हैं, फिर कितनी बार आप उसको प्ले करें। मान लीजिए कल को मैं कोई मशीन बना लूं जिससे आपके दिमाग में पिछले 24 घंटे में जो भी घटनाएं घटी हैं, आपने जो सोचा उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और मान लीजिए कि ये मशीन लेके मैं आपके पास आके खड़ा हो जाता हूं, आपकी क्या हालत होगी? यदि मेरे अपने घर में, मतलब चंबल इलाके में, यदि इस तरह की कोई मशीन लेके मैं लोगों के पास जाके खड़ा हो जाऊं, उन्होंने पिछले 24 घंटे में जो सोचा उसको मैं डाउनलोड करने की कोशिश करूं, तो वो मेरे जीवन का आखिरी दिन होगा। कोई नहीं चाहता कि उसके दिमाग में जो घटनाएं घट रही हैं, जो वो सोच रहा है, उसको दूसरे लोग जाने। मशीनें बन रही हैं ये भी मैं बता दूं, कल को इस बात की संभावना है कि लोग विशेष प्रकार का हेलमेट लगाकर बाहर निकले, क्यों, जिससे कि उनके दिमाग में जो चल रहा है उसको कोई डाउनलोड ना कर ले। बाकायदा इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। कोई हम में से चाहता है क्या कि अपने दिमाग में 24 घंटों में जो बातें हम सोचते हैं वो दूसरे डाउनलोड करके उसको पढ़े, एंजॉय करें कि आ हा, देखो शास्त्री सर 10 बजे क्या सोच रहे थे? कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। यही तो प्रभु का वचन कह रहा है। आज से 2000 साल पहले प्रभु के वचन में यहां लिखा हुआ है, कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है, सब के सब भटक गए हैं, और ऐसा कोई नहीं है जो अपनी इच्छा से प्रभु को खोजता हो या प्रभु को ढूंढता हो। आगे प्रभु के वचन में हम देखते हैं, उनके होठों में सांप का विष है। मनुष्य सबसे ज्यादा दूसरे मनुष्यों को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है? अपनी बोली से, अपनी वाणी के द्वारा। वाणी के द्वारा किसी व्यक्ति को टुकड़े 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 किया जा सकता है। अपने खुद के पेशे में मैं इस बात को जानता हूं। मैंने आपको कई बार ये बात बताई है कि मैं पेशे से अध्यापक हूं। एक अध्यापक कमजोर से कमजोर विद्यार्थी से यदि मीठी वाणी में बोले, उसको प्रोत्साहित करे, तो कई बार गधे से गधा भी जो है वो एकदम से आगे पहुंच जाता है। मुझसे पूछिए, मैंने बहुत से गधों का आदमी बनाया है, एक से एक बड़ा। मैं यहां अपमान के तरीके से नहीं बोल रहा, अक्षरशः बोल रहा हूं, जिनको सारे अध्यापक समझते थे कि बेकार है, उनको एक से एक ऊपर पहुंचाया। वाणी के द्वारा प्रोत्साहित भी किया जा सकता है, वाणी के द्वारा दूसरों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मैंने ऐसे कई अध्यापक देखे हैं जिन्होंने लापरवाही से क्लास में दूसरे विद्यार्थियों के सामने कमजोर विद्यार्थियों से बहुत ही कड़ी बात की, तू कभी नहीं सुधरेगा, तू कभी पास नहीं होगा, और वे अच्छे समर्पित सीधे सादे विद्यार्थी पागल हो गए। ऐसे कई केस मैंने देखे हैं। प्रभु का वचन इस बात को याद दिलाता है कि मेरे और आपके जीवन में हमारा पाप स्वभाव हमेशा हमारे साथ रहता है, और उसको हम सबसे ज्यादा दूसरों के सामने प्रकट करके दूसरों का नुकसान करते हैं अपनी वाणी के द्वारा। इसलिए 13वें पद के आखिर में लिखा है, उनके होठों में सांप का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। प्रभु ना करे मेरे प्रिय भाई और मेरी बहनों, प्रभु ना करे कि हम मनसा इतना बुरा सोचें, वाच्या दूसरे की बुराई करें। प्रभु का वचन जो बात याद दिलाता है उसको समझकर मेरे और आपके जीवन में इन बातों से एक अलगाव, इन बातों को छोड़कर इनसे दूर जाने के लिए प्रभु हमारी मदद करती है, मदद करें। आगे जब इतनी बात कोई समझ लेता है, तब उसके मन में अगला प्रश्न ये आता है कि ओके शास्त्री सर, ये बात मैं समझ गया हूं,
कि मैं पापी हूँ और पाप के कारण मेरा मन तो हमेशा खराब रहता है, मेरी वाणी भी खराब रहती है और मेरे कर्म तो आप जानते ही हैं, इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो प्रभु का वचन उसका उत्तर देता है और उत्तर हम देखते हैं 21वें पद में, या 22वें पद को देखें तो और जल्दी हो जाएगा। प्रभु की वह धार्मिकता जो प्रभु यीशु पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए, मतलब क्या, इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा जटिल सा कठिन सा एक वाक्य है। इस वाक्य का मतलब यह है, देखो, यदि तुमने पहचान लिया है कि तुम्हारे मन में जो बातें आती हैं वो सब पवित्र नहीं हैं, और यदि तुमने इस बात को पहचान लिया है कि तुम्हारी वाणी के द्वारा जो बातें आती हैं सारी बातें पवित्र नहीं हैं, तो अब इस बात को पहचान लो कि तुमको सुधारने के लिए प्रभु यीशु दुनिया में पधारे थे। तुम्हारी वाणी को सुधारने के लिए? जी नहीं। तुम्हारे मन को सुधारने के लिए? जी नहीं। तुम्हारे पूरे जीवन को बदलने के लिए, सारे जीवन को, कंप्लीट जीवन को बदलने के लिए आए हैं। यह है इस पद का मतलब। हम देखते हैं आगे, यहां लिखा हुआ है सबने पाप किया है, 23वां पद, प्रभु की महिमा से रहित है, मतलब प्रभु से दूर है। लेकिन उसके पहले के पद में सब विश्वास करने वालों के लिए, परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने, मतलब पहले उत्तर दिया है उसके बाद समस्या दी गई है। यहाँ पर समस्या क्या है? संसार में जिसने भी जन्म लिया है वह पापी है। उत्तर क्या है? प्रभु यीशु के द्वारा उनको धार्मिकता दी गई है। ये धार्मिकता क्या है, इसके पहले एक बार मैं समझा चुका हूँ, मैं फिर से फुर्ती से बताए देता हूँ। हम सब पापी हैं, पापी को क्षमा मिल सकती है, लेकिन पापी के बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि ये, इसने कभी कोई पाप नहीं किया, ये निष्पाप है, ये धर्मी है, कोई नहीं कह सकता। लेकिन जिस क्षण हम प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं, उस क्षण प्रभु हमको लेकर अपने आप से जोड़ देते हैं, हम प्रभु यीशु के शरीर के अंग हो जाते हैं आत्मिक तौर पर। और इस कारण चूंकि प्रभु धार्मिक हैं, इस कारण हम भी प्रभु में धार्मिक देखे जाते हैं। आपने देखा होगा शहर में जब, या स्कूल में मान लीजिए कि जो शरारती बच्चे हैं वो यदि किसी को परेशान कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, यदि उस बच्चे को आप बुलाकर, मान लीजिए आप अध्यापक हैं और ऐसे अध्यापक जिनके कारण लोग थर्राते हैं, आप उस कमजोर बच्चे को बुलाकर अपने पास खड़ा कर लेते हैं, अब दूसरों की हिम्मत है कि इसको मारने की? अरे उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखेंगे। ये एक छोटा सा उदाहरण है, परफेक्ट नहीं है, छोटा सा है। जिस क्षण हम प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं, उस क्षण हम प्रभु के साथ जोड़ दिए जाते हैं और तब से प्रभु हमको देखते हैं। तो प्रभु यीशु के साथ हमारा वो जो संयोजन है, उसके कारण हमको भी प्रभु यीशु के समान ही धर्मी के रूप में देखते हैं। ये है तीसरा अध्याय हमको बताता है। आप कहेंगे पांचवें अध्याय में भी ये बात बताई गई थी, ना केवल तीसरे में, ना केवल पांचवें में, अभी और भी कई अध्यायों में ये बात बताई जाएगी, क्योंकि ये बात हम सबको अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि हम में से कोई भी व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा मुक्ति नहीं पा सकता। अपने कर्म के द्वारा हम प्रभु के सामने धर्मी नहीं ठहर सकते। देखिए 28वें पद में हम देखते हैं, 28वें पद के आखिरी पोर्शन में, मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। आज सारी दुनिया प्रभु के सामने पाप से मुक्ति पाने के लिए और धार्मिकता पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आज से कुछ साल पहले एक बहुत ही विद्वान सन्यासी मेरे पास आए, मैं उस समय एमएससी में पढ़ रहा था, आकर मेरे साथ ठहरे, मेरा अपना कमरा था, मेरे साथ ठहरे, हम दोनों में आपस में बहुत वार्तालाप हुआ।
सन्यासी का पहला प्रश्न ये था कि शास्त्री जी, उस समय तो मैं उम्र में छोटा था, लेकिन लोग तब भी मुझे शास्त्री ही कहते थे, शास्त्री जी एक बात बताइए, मैं आपके पास इतने दूर से इसीलिए आया हूँ, मैंने सुना है कि आप, मैं जो भी पूछूंगा उसको समझकर उत्तर दे सकते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि ईश्वर के सामने एक निष्पाप व्यक्ति के रूप में खड़े होने के लिए मैं क्या करूँ। मैंने कहा कि सन्यासी जी, वो मुझसे छोटे थे लेकिन भाई सन्यासी है तो मुझे भी आदर करना चाहिए। सन्यासी जी, मनुष्य अपने कर्मों से ना तो मुक्ति पा सकता है, कर्मों के द्वारा ना तो मुक्ति पा सकता है, ना ही ईश्वर के सामने धर्मी ठहराया जा सकता है। तो बोले कि तो फिर शास्त्री जी कैसे। मैंने जब उनको ये सारी बातें बताई तो वो बोले, शास्त्री जी आपके कहने का मतलब यह है कि मैं अपने जीवन में मुक्ति पाने के लिए किसी भी तरह का कर्म नहीं कर सकता, मुझे ईश्वर ने मेरे लिए जो किया है उस पर आश्रित रहना पड़ेगा। मैंने कहा जी हाँ, 100% ईश्वर ने आपके लिए जो किया है उसके ऊपर आश्रित रहना पड़ेगा। वो बोले कि मैं तो चाहता था कि किसी तरह के कर्मों के द्वारा मुझे कुछ मिले। तो मैंने कहा कि भैया आप चाहते हैं कर्मों के द्वारा मिले, लेकिन जब मनुष्य के कर्म ही ऐसे हैं कि वो ईश्वर के सामने फटे चित्रों के समान है, तो उन कर्मों के द्वारा आप कैसे मुक्ति पा सकते हैं। प्रभु के वचन को देखिए, मैंने इसके पहले बताया है संस्कृत मेरी सेकेंड लैंग्वेज या मेरी दूसरी भाषा थी। मैं उस समय संस्कृत में नियमित रूप से बाइबल का पाठ किया करता था। सन्यासी जी ने कहा कि आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं प्रभु को मुक्तिदाता ग्रहण करने के बारे में सोचूंगा, लेकिन उसके पहले मैं कुछ अध्ययन करना चाहता हूँ। आपसे सिर्फ एक विनती है, ये आपकी कॉपी है, मैं जानता हूँ संस्कृत बाइबल इतने आसानी से आपको दूसरी कॉपी मिलना मुश्किल है, लेकिन मेरा अनुरोध है कि ये कॉपी मुझे दे दीजिए। मैंने खुशी खुशी वो कॉपी उनको दे दी। क्यों? इसलिए कि उस व्यक्ति ने इस बात को सुन लिया कि मुक्ति मनुष्य के कर्मों के द्वारा नहीं मिल सकती, लेकिन सुनने के बाद उसको ग्रहण करना, एकदम से ग्रहण करना कई बार मुश्किल होता है, क्योंकि हम में से हर व्यक्ति चाहता है कि मैं कुछ करूं जिसके द्वारा मुझे उद्धार मिले, मुझे नया जीवन मिले, मुझे मोक्ष मिले, मैं प्रभु के सामने धर्मी ठहराऊं। रोमियो की पत्री 3 अध्याय याद दिलाती है, सब ने पाप किया है और उस पाप के कारण ईश्वर से वंचित हैं और ईश्वर की महिमा से वंचित है, इसलिए हम अपने कर्मों के द्वारा ईश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकते। प्रभु के कर्मों के द्वारा हमको प्रभु की यह धार्मिकता मिलती है। इस बात को समझने के लिए प्रभु हमको मदद करें। लेकिन क्लोजिंग से पहले मैं 2 बात याद दिलाना चाहता हूँ। आज इस सभा में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लिया है, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, प्रभु ने विश्वास के द्वारा आपको धार्मिकता दी है। ये प्रभु का गिफ्ट है, प्रभु का वरदान है। इस कारण आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप नियमित रूप से इन बातों का अध्ययन करके एक पवित्र जीवन बिताएं। है क्या आपके जीवन में ये पवित्रता? मनसा वाच्या कर्मणा ये पवित्रता है क्या? जरा अपने आप को जांचें। नंबर 2, ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने आज तक इस संदेश को सुनने के बाद भी प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया। उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि भैया, तुम्हारे शाश्वत जीवन की मैं बात कर रहा हूं, कौड़ी भर का तुम्हारा खर्चा नहीं है, प्रभु ने तुम्हारे लिए अपना जीवन दिया, प्रभु तुमको मुक्ति प्रदान करते हैं, अब उससे दूर क्यों खड़े हो? क्या तुम्हारे पास एक्सक्यूज है, क्या बहाना है? याद रखना, कल को यह अवसर खत्म हो जाएगा। मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय नियुक्त है, तब अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज यदि सभा में ऐसा कोई भाई या ऐसी कोई बहन है जिन्होंने आज तक प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि आज इस सभा के बाद आकर
व्यक्तिगत रूप से मुझसे मिल लें, मुझसे बात करें। यदि आपको लगता है कि मैं आपसे उम्र में बहुत बड़ा हूँ, मुझसे बात करने में आपको परेशानी होगी, तो भाई इब्राहिम जो बैतुल से है इनको घेर लें, इनको जाने ना दें, उनसे कहे कि आप पहले हमको ये बात समझाइए, उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे। लेकिन इस बात को जानकर और समझकर यहाँ से जाने के लिए प्रभु आपकी मदद करे। जय मसीह की।